हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। अगर आपको पोटैटो ट्विस्टर पसंद है, जिसे पोटैटो टॉर्नेडो भी कहा जाता है, तो आज उसका खुला यानी ओपन वाला वर्जन हम बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक मीडियम से बड़े साइज का आलू। आप आलू की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट, एक बोल में ले पानी और उसके ऊपर रखे स्लाइसर, और स्लाइसर से सीधे आप स्लाइस करके पानी में ही चिप्स बनाएं। स्लाइसर दो साइज में आते हैं यूजुअली, मैंने एकदम जो पतला वाला है वो यूज़ किया है। छिलका आप चाहें तो आलू का निकाल सकते हैं, पर मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था, सारी मिट्टी निकाल दी थी। तो ये जो आलू के चिप्स है, देखिए एक ही आलू के काफ़ी सारे बन गए हैं, इसलिए मैंने एक ही आलू लिया यहाँ पर बड़ा वाला। तो अगर आपकी एक छोटी फैमिली है 3 से 4 मेंबर्स की, तो सबके लिए एक ही आलू इनफ होगा। अब एक बोल में ले 1/4 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तीखी वाली यानी नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला, ये वेजिटेरियन पाउडर होती है पर आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी या ब्यारगी लाल मिर्च पाउडर कलर आने के लिए, टेस्ट के लिए नमक। फिर डालें बैटर बनाने के लिए पानी, तो पानी रूम टेम्परेचर पर या फिर ठंडा यूज़ करें। अब हम इसका बैटर बनाएंगे, तो थोड़ा सा पतला बनाना है हमें नॉर्मल पकौड़े के बैटर से। अगर आपको लग रहा है कि पतला बैटर होने की वजह से चिप्स जो है ये ऑयली हो रहे हैं, तो आप बैटर को गाढ़ा कर सकते हैं, या फिर पहले आप थोड़ा सा गाढ़ा रखें, फ्राई करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि पतला चाहिए तो आप और बैटर को पतला कर सकते हैं, पर मैंने इसे टॉर्नेडो की तरह ही पतला रखा है। अब एक कॉटन का कपड़ा ले और इसके ऊपर चिप्स रख दे। चिप्स का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकालना है। आलू के इन स्लाइसेस पर अगर पानी रह जाएगा तो इन पर बैटर सही से नहीं लगेगा, बैटर भी थोड़ा सा पतला और हो जाएगा, और हो सकता है कि चिप्स ज़्यादा ऑयली बन जाएं। इसलिए अच्छे से पहले आप इन चिप्स पर से, स्लाइसेस पर से पूरा पानी निकाल लें। हल्का सा प्रेस करें ताकि पूरा पानी ड्राई हो जाए। ये स्लाइसेस ड्राई हो गई हैं, इन्हें अब बैटर में डिप करके फ्राई करना है। बाय द वे, स्लाइसर में जो थोड़ा मोटा वाला साइज आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इन चिप्स को बनाने के लिए और चिप्स को थोड़ा सा मोटा रखने के लिए। अब एकदम तेज़ आंच पे आप तेल को गर्म होने के बाद ही इन्हें फ्राई करें। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऑयली बन जाएंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करें, हाई फ्लेम इनफ होगी कि जब तक जो कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, वो पक जाए, क्रिस्पी हो जाए और आलू भी अंदर तक पक जाए। इन चिप्स को आप थोड़ा पलट पलट कर फ्राई कर लें क्रिस्पी होने तक। तो देखिए एक बैच ये फ्राई हो गई है, इन्हें आप फ्राई करके एक चलनी में निकालें या फिर टिश्यू पेपर में निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, पर पहले झारे में इस तरह से उछालें ताकि यहीं पर शुरुआत में तेल निकल जाए। बस अब इसी तरह से आप बाकी के चिप्स भी फ्राई कर लें। यहाँ पर मैंने आधी आलू की स्लाइसेस फ्राई की है, आधी और है, यानी इतने और ये ट्विस्टर बन जाएंगे। ट्विस्टर यानी इनसाइड आउट, ओपन, जो भी आप कहें। इन्हें आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैगी का मसाला या फिर गरम मसाला, थोड़ी सी उसमें आप पिसी हुई चीनी मिलाकर एक मसाला बना सकते हैं और उसमें इन चिप्स को, इन ट्विस्टर्स को टॉस कर सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जो पोटैटो ट्विस्टर होते हैं उसके ऊपर भी मसाला स्प्रिंकल किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ये दो चीज़ें ही यूज़ की है, पिसी हुई चीनी और मैगी वाला मसाला, और बस टॉस करना है और इन्हें ऐसे ही सर्व करना है। इन्हें आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बारिश के मौसम के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया डिश है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।